नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन। बिहार के सहरसा में सुपौल जिले की रहने वाली कविता सिंह ने कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे को पिपरा थाना अध्यक्ष और डीएसपी के विरुद्ध आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बताते चले कि कविता सिंह सुपौल जिले के रतौली गांव की रहने वाली है और उनके बेटे सुमित कुमार सिंह के ऊपर बीते 16 नवंबर को जमीनी विवाद में कुछ लोगों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और तेजाब भी फेंका गया था, जैसा कि जख्मी के द्वारा आवेदन में जिक्र किया गया है, जिसमें कविता सिंह के पुत्र बुरी तरह घायल हो गए थे जो अभी भी टाटा मेमोरियल अस्पताल में इलाजरत है। इसी घटना को लेकर कुल 7 आरोपी के विरुद्ध पिपरा थाना में कांड संख्या 340/22 अंकित कर थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया था, जिसमें मात्र 2 अभियुक्त राजकुमार साह सत्तू मंडल इस घटना को लेकर जेल भी जा चुका है और अभी बेल पर है। वहीं इस मामले में बचे हुए 5 अभियुक्त में से 2 अभियुक्त वरुण कुमार साह, विमल कुमार साह, इन दोनों नाम को मोबाइल लोकेशन के आधार पर हटा दिया गया है और शेष अभियुक्त हीरा देवी लालो साह देव पर अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। वहीं जख्मी सुमित सिंह की मां कविता सिंह ने इस घटना को लेकर डीआईजी कार्यालय पहुंच आवेदन दिया है। ऐसे में आगे देखना दिलचस्प होगा कि कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे से न्याय की गुहार लगा रहे परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। हम सुपौल जिला से आए हैं, साथ ही डीआईजी साहब के पास आए, आवेदन लगाए हैं, उनके पास आवेदन देखे निकल रहे हैं। क्या मामला है? तेजाब का मामला है। क्या हुआ? हमारे लड़का को ऊपर तेजाब डाल दिया है, वरुण कुमार, विमल कुमार, उन लोग को लोकेशन के आधार पर हटा दिया गया है डीएसपी साहब और थाना परवाड़ी मिलके। क्या कर रहे हैं डीएसपी साहब के पास? क्या उनके पास भी आवेदन दिए हैं, उसके बाद हमको कोई नहीं मिला, हम उनके पास आए हैं। जो आरोपी है पकड़े गए हैं जी? नहीं पकड़े गए हैं, लोकेशन के आधार पर वो दोनों को छोड़ दिया गया है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को न्याय चाहिए, उनके पास गुहार लगा, हमें न्याय चाहिए। कहाँ आए? हम डीआईजी ऑफिस के पास। क्या नाम आपका? कविता सिंह।